और किसान संगठन किसान में घुसने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। पुलिस किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। किसान संगठन सरकार के बीच सबसे बड़े विवाद की वजह है एमएसपी। किसान संगठन जहां एमएसपी पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार किसानों से बातचीत के लिए जरिए का मामला सुलझाने की अपील कर रही है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, तो वहीं पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। किसान संगठनों का कहना है कि किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और वह रहेगा। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से बातचीत की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सरकार पर विश्वास रखने और आंदोलन को राजनीति से बचाने की अपील की है। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि किसान संगठन को बात समझना चाहिए, जो कानून की बात की जा रही है इस तरह से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के साथ बातचीत का दरवाजा खुला है, सरकार जब चाहे तब बात कर सकती है। तो वहीं किसान आंदोलन पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। लोकसभा चुनावों को नजदीक देखते हुए जिस तरह किसान संगठन सक्रिय हुए हैं और उन्हें खुलकर विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया है। शरद पवार जब कृषि मंत्री थे, उन्होंने सदन में कहा था कि 71% लोगों को पता ही नहीं कि एमएसपी क्या है। पंजाब और हरियाणा को छोड़ दें तो अधिकांश किसानों को पता ही नहीं एमएसपी क्या होती है। एमएसपी का असली फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान ही उठाते रहे हैं। नीति आयोग की जनवरी 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। किसान संगठनों को जिद छोड़कर सरकार के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और सरकार की बातचीत की अपील पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए। किसानों के सामने सबसे चुनौती अपने आंदोलन को हिंसा और अराजक तत्वों से बचाने की भी होगी। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए प्रशासन ने टिकरी बॉर्डर ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। हमारे संवाददाता विक्रम गोस्वामी ने मौके का जायजा लिया। किसान आंदोलन को लेकर किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, जहां से आप देख सकते हैं नजारा किस तरीके से दिल्ली को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कटीले तारों की बाड़ लगाई गई है और पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरे जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही साथ अभी यहाँ पर किसानों को 16 तारीख को देखते हुए, आह्वान को देखते हुए, संयुक्त मोर्चा किसान की मीटिंग को देखते हुए यहाँ देखिए कि बड़ी बड़ी RCC लगाई गई है, जिसमें काफ़ी सीमेंट और केमिकल डाला जा रहा है ताकि किसान अगर ट्रैक्टर लेकर भी आए तो उसको यहाँ पर तोड़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़े। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं और पूरे RCC डालकर इसको पूरा बंद किया जा रहा है, पूरी बैरिकेडिंग की जा रही है। फिलहाल अभी जैसे किसान वहां से कूच करके दिल्ली पहुंचने में अभी टाइम है, लेकिन यहां पर पहुंचने के बाद भी उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। विक्रम गोस्वामी, AMV न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पुलिस ने 3 लेयर की व्यवस्था की है, जिसमें लोहे की बैरिकेडिंग, कंक्रीट बैरिकेडिंग और लोहे की कटीली तारें शामिल हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। यूपी से दिल्ली जाने वाले बंद पड़े रोड पर बनाई गई कंक्रीट की दीवार और ऊंची की जा रही है। गाजीपुर यूपी बॉर्डर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें, आपको ताज़ा तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मजदूर हैं अचानक से यहां पहुंचे हैं और लगातार जो ये जो इसके ऊपर जो कंक्रीट डाली गई थी उसको हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये कंक्रीट इसलिए हटाई जा रही है कि इसे अभी और ऊँचा किया जाएगा, यानी कि ये जो दीवार बनाई गई थी बॉर्डर पर जिसको कंक्रीट से डालकर ऊपर तार जो लगाए गए थे उसको अब यहाँ से देखिए साइड साइड से जो मलबा है ये मजदूरों की तरफ से यहाँ से हटाया जा रहा है और लगातार इस ऊपर से
वहीं से आदेश आए हैं और अब ये जो दीवार है इसको और बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सभी मजदूर हैं इनको बुला लिया गया है। अब जो पूरा काम है यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर, जिस तरह जो सीलिंग का काम किया गया था, अब इस दीवार को लगता है और ऊँचा किया जाएगा, ताकि जो अब 16 तारीख को जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली आने का कूच किया है, दिल्ली आने का आह्वान किया है दिल्ली, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली पूरे भारत बंद की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले ही ये हलचल आपको सामने देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज वॉच इंडिया की तरफ से। लेकिन कितनी ऊंची दीवार बनेगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से जो अभी झड़प हुई है और लगातार वहां पर झड़प का दौर जारी है, लेकिन उसके बीच अब गाजीपुर पर ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से मजदूर बुला लिए गए हैं, अब यहाँ पर दीवार ऊंची करने का काम किया जाएगा। थोड़ी देर में यहाँ पर दीवार ऊंची की जाएगी, ताकि जो किसान आएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान होंगे वो यहाँ पर पहुँचेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर, क्योंकि भारत बंद की बात कही गई है। और साफ तौर पर राकेश टिकैत यानी किसान के तरफ से ये भी कहा गया है कि दिल्ली वो संसद जाना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर चक्कर लगाकर वहाँ से आना चाहते हैं, ताकि जो सरकार है वो किसानों को सुन पाए, किसानों की मांग जो है वो पूरी हो पाए। लेकिन अब जो ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। ये न्यूज वॉच इंडिया बिल्कुल एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हलचल हो गई है, यानी कि पहले से ही किसी बड़े अधिकारी का आदेश आया है, यानी कि शंभू बॉर्डर पर जो हलचल हो रही है उसके मद्देनज़र, क्योंकि ये अब दीवारें जो हैं इसको ऊँची कर दी जाएगी। हालाँकि कितनी ऊँची करी जाएगी ये जानकारी अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो दीवार है ये थोड़ी ऊँची कर दी जाएगी, ताकि किसान जब यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुँचे तो वो अंदर घुस ना पाए। इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। वही किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता विक्रम गोस्वामी ने मौके का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है। हालांकि मेट्रो स्टेशन चालू है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली से जो लोग आने वाले हैं और जो बहादुरगढ़ जाने वाले हैं उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप यहां देख सकते हैं कि दिल्ली से यदि आप निकले हैं और आपको बहादुरगढ़ जाना है या हरियाणा जाना है, तो आपको नांगलोई से लेकर डाइवर्जन से आपको नजफगढ़ जाना होगा। नजफगढ़ से फिर आप बहादुरगढ़ के निकलेंगे, इसके बाद में आपको हिरणकूदना से फिर नजफगढ़ के लिए जाना होगा, तब वहाँ से आप निकल पाएंगे। और अब यहाँ की बात करें तो यहाँ से आगे का रास्ता ब्लॉक है, और यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बहादुरगढ़ जाने के लिए जरदाकला से जाना पड़ेगा, जो काफ़ी सकरा रास्ता है, जो काफ़ी मुश्किलों भरा रास्ता है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस किसान आंदोलन को लेकर आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, जाम की समस्या बनी हुई है। अगर ऐसे में यहाँ पर किसान आते हैं तो हालात क्या होंगे यह भी देखने वाली बात होगी। विक्रम गोस्वामी, AMV न्यूज़, दिल्ली। और किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसान बगैर बातचीत और समाधान के वापस नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बातचीत नहीं करती है तो वो दिल्ली की तरफ तो जाएंगे ही, हमारे लिए देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं है। सरकार के पास समाधान निकालने के लिए 16 फरवरी तक का समय है। उन्होंने आगे कहा कि किसान बात करने को तैयार है, लेकिन सरकार झूठ बोल रही है कि हम तैयार नहीं हैं। आज भी किसानों ने कहा है कि हमसे बातचीत की जाए, कोई किसान पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारने वाले भी सरकार के ही आदमी हैं। किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी करता है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने के, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं। अलग प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे पेड़ी के